तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपकी बार एक रोज़गार। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां आपको मैथ की बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक्स मिलती रहेंगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा। जैसे यहां आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो जहां भी पीछे 5 आए ना, तो उसका स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। आप 5 5 जा, इधर 5 है तो 5 5 द लिखेंगे 25, 5 5 द 25। और ये जो इधर वाला नंबर है, इसके आगे वाला जो नंबर होता है उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई। जैसे 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 2 के साथ, 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, तो 225, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ भी 5 है तो 5 5 द 25। और 2 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3 2 3 द 6। यहाँ भी 5 है तो 5 5 द 25। 3 के आगे का नंबर 4, तो 3 4 द 12, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ भी 5 है तो 5 5 द 25। और 4 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 5, सो 4 5 द 20, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे भी आपको मैं दो नंबर का मल्टीप्लाई करना दिखाता हूँ। जैसे कभी कभी ऐसी मल्टीप्लिकेशन आ जाती है जो हमारी, जिसके एक तरफ का जोड़ 10 बन रहा हो। जैसे 6 और 4 को अगर हम ऐड करके देखें तो 10 बनेगा। यहाँ 7 और 3 को ऐड करके देखेंगे तो 10 बनेगा। 6 और 4 को ऐड करके देखेंगे 10 बनेगा। और 6 और 4 को ऐड करके देखेंगे 10 बनेगा। और प्लस ये भी ध्यान रखना है, इधर वाले नंबर सेम होने चाहिए। यानी कि एक ही लाइन में जो आते हैं मल्टीप्लाई, उनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, ये देखते हैं। 6 4 ज़ा, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24। और 8 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 9, 8 9 ज़ा 72, ये हमारा आंसर हो गया। तो 7 3 ज़ा 21, और 7 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 8, 7 8 ज़ा 56। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना, अगर कहीं भी सिंगल डिजिट्स में आए तो आपको यहाँ 0 और डबल डिजिट्स ही लेना है, 0 लगाकर। 6 4 ज़ा 24, और 6 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 7 42। 8 6 ज़ा 24, और 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 9, 8 9 ज़ा 72, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आइए आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ। जैसे कई बार होता है कि यहाँ जो होता है हमारा, उसका सम 10 नहीं बन रहा होता। जैसे 7 और 2, इसका सम 10 नहीं बन रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमको कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हमको इस ये 100 से कितना कम है, 18, तो यहाँ 18 लिख लेना है। ये 100 से कितना कम है, 3, तो यहाँ 3 लिख लेना है, यहाँ 3 लिख लेना है। तो फ्रेंड्स बस सिंपल है, आपको किसी एक में से एक नंबर माइनस कर लीजिए। यानी कि या तो इसमें से ये माइनस कर लीजिए या इसमें से ये माइनस कर लिए। तो हम जो जो सिंपल है वो देखेंगे। तो 18 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 79 आ जाएगा। और उसके बाद इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 54। तो यहाँ भी फ्रेंड्स हम ऐसे ही देखेंगे, 19, या तो इसमें से ये माइनस कर लीजिए या इसमें से ये माइनस कर लीजिए। तो हम ये सिंपल वाला उठाते हैं, 86 में से 5 माइनस कर लेंगे, 81 आ जाएगा। और 14 × 5 70, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।